नमस्कार, आप जो राजो जी 24 कलाकों शॉपी साथे जूही। सौथी पहला बात, सोनिया ने राहुल गांधी ने ईडी नो मोटो झटको। यंग इंडिया कंपनी की संपत्ति ईडीए जब्त करी छे। 751.9 करोड़ की संपत्ति ईडीए जब्त करी छे। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की संपत्ति जब्त करवामां आवी छे। यंग इंडिया कंपनी की संपत्ति ईडीए जब्त करी छे। 751.9 करोड़ की संपत्ति ईडीए जब्त करी। सोनिया ने राहुल गांधी ने ईडी नो मोटो झटको। करोड़ नी संपत्ति ईडीए जप्त करी छे। दिल्ली, मुंबई अने लखनऊ नी आ संपत्ति जप्त करवामां आवी छे। सोनिया ने राहुल गांधी ने ईडी नो मोटो झटको। वधु माहिती साथे संवाददाता हितेन विठलानी फोन लाइन पर जोड़ा अमारी साथे। जी हितेन, यंग इंडिया कंपनी की जो संपत्ति है 751.9 करोड़ जेटली आ संपत्ति थवा जाए छे जे ईडीए जप्त करी, शू विगतो? बिल्कुल, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी जो तपास करी रही थी तेमा पेला ज रूपयानी हेराफेरी नो खुलासो जे छे ते ईडी करी चुकी थी। अने गया वर्षे तमने याद हशे केवी रीते सोनिया गांधी अने राहुल गांधी ने 3-4 वार बोलावीने पूछताछ करी हती। तेज तपास में वधु माहिती बहार आवता ईडीए क्यांक ने क्यांक आ कारवाई जे छे ते करी छे। दिल्ली, मुंबई अने लखनऊ में जे यंग इंडिया कंपनी की जे प्रॉपर्टी थी તે સીઝ કરવામાં આવી છે, કારણ કે નેશનલ હેરાલ્ડમાં જે મની લોન્ડરિંગ જે જોવા મળ્યું છે, જે મની ટ્રેલ જોવા મળ્યું છે તે યંગ ઇન્ડિયા કંપનીના નામ પર જ સમગ્ર મની ટ્રેલ જે છે તે જોવા મળ્યો છે, જેથી હાલ પૂરતી ઈડીએ જે છે તે યંગ ઇન્ડિયા કંપનીની તમામ પ્રોપર્ટી જે છે તે સીઝ કરી દીધી છે, જેની કિંમત લગભગ 751.9 કરોડ રૂપિયા જે છે। ત્યારબાદ ક્યાંક ને ક્યાંક સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી માટે સૌથી મોટો ઝટકો પણ કહી શકાશે। હોઈ શકે છે કે આવનારા દિવસોમાં ફરી તેમને આ સમગ્ર કેસમાં પૂછપરછ માટે પણ જે છે તે બોલાવવામાં આવે। બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર હિતેશ।